की जो रात है उसके भगवान का नाम ज्यादा ले लीजिएगा। फिर स्टार्टिंग की बात कर लेते हैं, जो शुरुआत जहां से कहते हैं कि हम अगर के पहला दिन हमारा जिंदगी का सबसे अच्छा निकल जाता है तो हमारी जिंदगी के सारे साल कहते हैं बहुत अच्छा निकलते हैं, क्योंकि जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही फल काटने की इच्छा रखते हैं। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि पहले दिन कौन सा ऐसे योग बन रहे हैं। अमृत सिद्ध योग ये बहुत अच्छा योग होता है, त्रिपुष्कर योग ये फर्स्ट वीक के अंदर ही बन रहे हैं योग। हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पहला सप्ताह आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सप्ताह है रवि योग, और इसके साथ साथ हम सर्वार्थ सिद्ध योग, तो इसका मतलब ये कि जो अंतिम पड़ाव है वो भी बहुत अच्छा है, जो पहली शुरुआत है वो भी बहुत अच्छी है। तो अच्छे से मनाइएगा इस न्यू ईयर को। बिल्कुल, और आपने इतना अच्छे तरीके से बताया कि न्यू ईयर किस तरीके से मनाना है, लेकिन अब जान लेते हैं कि राशियों के क्या कुछ हाल रहने वाले हैं, राशियों के हिसाब से क्या कुछ बदलाव होंगे और किस तरीके से पूरा साल जाने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत मेष राशि से करते हैं। जी बिल्कुल जी, मेष राशि वालों, क्योंकि हर एक की नज़र ना मेष राशि पे ज़रूरी रहती है कि पहली राशि होती है, पहला आगमन कहते हैं कि अगर इसका अच्छा है तो देखते हैं आगे हमारी हो सकता है। बहुत अच्छी राशियां जा रही हूँ, लेकिन हमें ये नहीं बताएंगे, हम ये कहेंगे कि हर एक की राशि बहुत अच्छी रहने वाली है। देखिए, हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारी चीज़ें सराउंडिंग पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। चलिए मेष राशि की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मेष राशि का स्वामी होता है मंगल, और मंगल स्व राशि में अपनी राशि में जाकर के रुचिक राजयोग बना रहा है। तो सोचिए, पहला ही राजयोग अगर आपको मिल रहा है तो फायदा कैसे नहीं होगा। सुख भाव को बल दे रहा है आपका, जो सुख सब जितनी हमें लग्जरीज हमें बहुत अच्छी चीज़ें चाहिए वहाँ पे हमें बेनिफिट मिल रहा है, तो सुख भाव को उसका रिजल्ट देना मतलब हमें फायदे के योग। कर्म भाव यानी बिजनेस भाव को भी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दे रहा है। फिर उसके बाद आते हैं कि परिणाम कैसे में, परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, थोड़ी सी धन में भी वृद्धि होगी, लेकिन धन खर्च बढ़ने वाला है, कोई बात नहीं, बढ़ने दीजिए, पैसा बढ़ने दीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट है पैसा बढ़ जाएगा तो धन बढ़ने दीजिए, उससे कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की। पदोन्नति, आपने सोचा था कि प्रमोशन, लेकिन लोगों को ये टेंशन हो गई, ये डर बढ़ गया कि हमारी नौकरी चली जाएगी तो प्रमोशन काहे की, लेकिन अब नौकरी भी बचेगी प्रमोशन भी होगा, इनफैक्ट नई नौकरी के बहुत अच्छे योग हैं। मन चाहे फल आपको मिल सकते हैं। विदेश की यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए सही है, प्लानिंग कर लीजिए, जाएंगे थोड़ा मिड में जा करके आप, लेकिन उससे पहले नहीं जाने वाले हैं, बट प्लानिंग अगर आपकी सॉलिड होती है तो आपका आगे जितना भी सिनेरियो होता वो बड़ा सॉलिड हो जाता है जी। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, क्योंकि राशिफल कितनी जरूरी हो जाती है और ये तमाम चीजों के बारे में भी हमें पता चल जाता है कि आखिर किस तरीके से पूरा साल रहने वाला है। तो अगली राशि कौन सी होने वाली है जीतू जी? जी वृष राशि की बात कर लेते हैं। अगली राशि वृष राशि है और वृष राशि के लॉर्ड होते हैं शुक्र और शुक्रवार को ही। देखिए नए साल की शुरुआत शुक्रवार को ही, और ये बड़ा हैप्पीनेस का वो ये राशि होती है, और हैप्पीनेस तो रहती है लेकिन थोड़ी डिलेमा में भी रहती है, समझ में नहीं आता क्या करना है भाई, कितना इन्जॉयमेंट करना है, कितना खर्च करना है, कहीं तो थमना है या नहीं थमना है। चलिए आपको ये भ्रम दूर कर देते हैं, कुल मिलाकर के आपका सही रहने वाला है ये साल। लग्न में राहु की भूमिका जो है वो थोड़ी सी आपकी भ्रम की स्थिति पैदा कर सकती है, यानी ये काम करें या नहीं करें, क्या करें, छोड़ दें या कर लें काम को, तो ये सिचुएशन जो है ये आपको थोड़ा सा भ्रम में डाल करके रखेगी ही, क्लियरिटी नहीं होने देगी आपको, लेकिन जहाँ आप दूसरों की सलाह ले लेंगे तो ये भ्रम भी आपका दूर हो सकता है। नौकरी के लिहाज से करते हैं अगर बात, तो सरकारी नौकरी के योग मिल सकते हैं आपको। बहुत समय से आप कह रहे थे कि हमें प्राइवेट सेक्टर नहीं, हमें थोड़ा कन्वर्ट करना है, हम सरकारी नौकरी चाहिए। यंगस्टर आप खास करके ध्यान दीजिएगा, आपके लिए अच्छे योग बन रहे हैं। प्रमोशन और धन ये दोनों मिलने वाला है, लेकिन जब शनि वक्री होंगे तब आपको संभल कर रहने की ज़रूरत है, कि शनि वक्री आपके फैसलों में थोड़ी सी कमी कर सकते हैं, आपके काम जो है वो पूरे नहीं करने देंगे, थोड़े से हर्डल पैदा कर सकते हैं, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो प्यार के मामले में भी ठीक है और हेल्थ के मामले में भी ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो वृषभ राशि के लिए तमाम जो साल है वो अच्छा रहने वाला है, बहुत सारे योग बन रहे हैं, लेकिन बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, फिर और भी कई सवाल लेंगे। जी बिल्कुल, मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। तीसरी राशि मिथुन राशि, जिसे लॉर्ड होते हैं मरकरी यानी बुध। कार्यस्थल पर तो आपको बहुत अच्छे काम करने के मौके मिलेंगे भाई, आप काम कीजिएगा, काम करने के साथ साथ आपको फल भी मिलने वाला है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम करते रहेंगे आप, तो काम भी कीजिएगा फल भी मिलेगा, लेकिन अपनी एक स्ट्रेंथ को बना करके रखिए। क्या होता है कि कई बार हम हालात देखते हैं डिप्रेसिंग है तो डिप्रेस हो जाते हैं,